नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त आज लेकर के आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक अनोखी जानकारी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, हमारे समाज में सुपारी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एक तो पूजा पाठ में और दूसरा पान व पान मसाले में। लेकिन लोगों में ये धारणा है कि इसके सेवन से उनके स्वास्थ्य को हानि होगी। बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि सुपारी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन 4.9%, कार्बोहाइड्रेट 47.2%, वसा 4.4% और खनिज द्रव्य 1% होता है। साथ ही इसमें टैनिन, गैलिक एसिड, लिग्निन, एरिकोलिन और एरिकेन जैसे एल्केलाइड भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आइए आज हम सभी सुपारी से होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, डायबिटीज़ के कारण कई लोगों को बार बार मुंह सूखने की समस्या होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी मुंह सूखे एक सुपारी का टुकड़ा मुंह में रखें, क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाइवा निकलता है। नंबर 2, सुपारी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे जलाकर इसका पाउडर बना लें और रोजाना मंजन के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दांतों की साइन से बचाव किया जा सकता है। इससे आपके दांत भी चमकने लगेंगे। नंबर 3, सुपारी का काढ़ा बनाकर घाव पर लगाएं। इसके बारीक चूर्ण को लगाने से भी खून बहना बंद हो जाता है, कुछ ही देर में घाव भरने लगता है। नंबर 4, सुपारी खाने से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। इस पर हुए एक रिसर्च से भी यह बात सामने आई है कि इसे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता है। इससे आप डिप्रेशन की बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों, नंबर 5, सुपारी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो विषैले पदार्थों और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है। नंबर 6, जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक दिमागी बीमारी है, उनको सुपारी के सेवन की सलाह दी जाती है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इस बीमारी में जो रोगी सुपारी का सेवन करते हैं उनके लक्षणों में सुधार होता है। नंबर 7, सुपारी में मौजूद टैनिन नामक तत्व एंजियोटेंसिन हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में उपयोगी है। दुनिया भर में लाखों लोग सुपारी का सेवन करते हैं। सुपारी जो दुनिया के कई क्षेत्रों में खाई जाती है, वो दो अलग अलग वनस्पति और चूने का एक मिश्रण है। सुपारी का एक भाग यानी अखरोट, ताड़ के पेड़ एरेका कतेचू से आता है। कभी कभी अखरोट और चूना पान की बेल में लिपटा हुआ पीपर बेटल से आता है। दोस्तों, अक्सर सुपारी का प्रयोग गुटखा में तंबाकू के साथ सेवन किया जाता है। लौंग, इलायची या शक्कर स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो लोग सुपारी चबाते हैं वो लोग कभी कभी अपने स्वाद के अनुसार खुद का उत्पाद बनाने लगते हैं। सुपारी कमर्शियल रूपों में भी उपलब्ध है। आमतौर पर सुपारी चबाने से ज़्यादा लार आती है। कुछ लोग ज़्यादा लार को या तो थूक देते हैं या निगल लेते हैं। परंपरागत रूप से सुपारी मौखिक स्वच्छता, भूख और लार के उत्पाद के लिए फायदेमंद होती है। अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि सुपारी चबाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और यह प्रतिकूल गर्भ में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सुपारी के कई रूप उपयोगी भी हैं, ज़्यादातर रूप जोखिम भरे और अस्वस्थ करते हैं। सुपारी एशियाई महाद्वीप के दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक साइको एक्टिव ड्रग के रूप में लोकप्रिय है। यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं जो लोग इंडिया से वहाँ गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सुपारी जितना कुछ एक फ़ायदे भी होते हैं इसमें, लेकिन इसके लॉस भी होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कच्ची सुपारी लेते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, सप्ताह में एक बार आपने थोड़ा सा लिया, वो चबाया, ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके लॉस भी बहुत सारे होते हैं, जो कि हमने आपको बताया दोस्तों कि इसमें ये फ़ायदे भी होते हैं और ये लॉस भी होते हैं। तो इसको जब भी इस्तेमाल करें
तो डॉक्टरी परामर्श के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें अपने बॉडी के चेकअप कराने के बाद, अन्यथा ना करें सुपारी का इस्तेमाल तो बेहतर है दोस्तों। तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।